हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर है इन्वॉर्नमेंट लेक्चर वन के बेस्ड के ऊपर ये लेक्चर मैंने बनाया हुआ है ये लेक्चर मैंने इसीलिए बनाया जो लेक्चर वन में बच्चों को कुछ डाउट थे कुछ क्वेरीज़ थी तो वो क्लियरेंस के लिए वो कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस के लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है और ये लेक्चर इस तरह है कि इसमें मैंने क्वेश्चन कुछ पिक्चर्स कुछ एम डाले हुए हैं कि जिससे आपका जो भी डाउट होगा क्योंकि जो एम जब हमें क्वेश्चन होता है कोई एम सी होता है उसमें से बहुत सारे हमारे आंसर निकल जाते हैं जो हमें पता कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती है वो हमें एम सी क्यू क्वेश्चन से पता चल जाती है यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है तो मुझे उम्मीद है इस लेक्चर से आपके जो इन्वायरमेंट जो हमने पहला लेक्चर था उसमें कोई भी आपका डाउट या क्वेरीज़ होगी वो क्लियर हो जाएगी ठीक है और आप यकीन रखें कि जो आपका जेकेएसएसबी का अकाउंट uh, असिस्टेंट और एस SI का सिलेबस है ई का वो मेरी जिम्मेदारी है कम्प्लीट uh, करवाने की और मैं बिल्कुल कम्प्लीट करवाऊँगी आपके पेपर्स मतलब आपका रिविज़न भी मैं ही करवाऊँगी जल्दी इन शाला हम कंप्लीट करेंगे रिविज़न भी करेंगे बट आपको बस ये करना है हार्डवर्क करना है और जो मैं पढ़ाती हूँ उसको रिवाइज करना है सक्सेस का यही है कि आपको रिवीजन मस्ट है ये नहीं है कि आपने आज ये वाला लेक्चर पढ़ा कल किसी और से आप कोई भी मतलब जहीं कहीं से अगर एक बुक आपने प्रेफर की है तो एक ही बुक को पढ़े और रिपीट 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 ही करना है उसको यही सक्सेस का एक आप कह सकते हो एक मैजिक अगर कुछ है कुछ हार्डवर्क जो हमें करना है रिविजन है ठीक है सो लेस्ट मूव टू द फर्स्ट स्लाइड हमारा पहला क्वेश्चन है डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट अफेक्ट ईच अदर आप जानते हैं कि बायोटिक फैक्टर क्या हैं और अबायोटिक फैक्टर क्या हैं बायोटिक क्या होते हैं लिविंग फैक्टर और जो अबायोटिक क्या होते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं तो क्या ये दोनों जो फैक्टर्स हैं इन्वामेंट के जो कंपोनेंट हैं क्या ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा यस ये इफ़ेक्ट करते हैं ठीक है ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं यानी कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या जो उसकी सराउंडिंग में जो उसके अबायोटिक अब है बायोटिक फैक्ट क्या उसको इफेक्ट नहीं करते हैं खुद की आप एग्जांपल ले लीजिए जब अभी सर्दियों का अगर मौसम अभी की बात करें तो अभी क्या हमें अभी चेंज जो आ रहा है क्या हमें इफेक्ट नहीं कर रहा है कि जो हम सर्दियों में इतने सारे कपड़े पहन के रखते थे जैसे जैसे इन्वामेंट में चेंज आ रहा है जो बायो बायोटिक फैक्टर्स में चेंज आ रहा है तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी चेंज आ रहा है हम में चेंज आ रहा है हम थोड़ा सा मतलब अपने कपड़े वगैरह ये समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही मतलब जो बायोटिक और बायोटिक फैक्टर है वो इन मतलब इन शॉर्ट वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं हमें ठीक है सो मूव टू द स्लाइड जिसमें मैंने ये लिखा हो इसमें यह है कि जो रिलेशनशिप है रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ठीक है जो इंटरेक्शन है जो रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स का एंड द इन्वायराममेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स क्या है हाईली कॉम्प्लेक्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन जो इनका इंटरेक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है क्यों कॉम्प्लेक्स है बिकॉज कुछ जो बायोटिक फैक्टर हैं जो अबायोटिक फैक्टर हैं कुछ सूटेबल क्योंकि हमें सर्वाइव करना है जो सर्वाइव कर जाता है रिक्वायर जो जो आपको इन्वामेंट मिल जाता है तो वही मतलब जो अडेप्ट करता है इन्वामेंट को वही सर्वाइवल सर्वाइव कर पाता है ठीक है नो ऑर्गेनिज्म कैन लीव अ लोन ये तो सच है कि आप अकेले रह सकते हो मतलब आपको कोई और कम्युनिटी नहीं चाहिए कोई सोसाइटी नहीं आप अकेले रह सकते हैं नो विदाउट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर सो ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ अदर पार्ट और हैज़ अदर ऑर्गेनिज्म अ पार्ट ऑफ इट्स पार्ट ऑफ इट्स इन्वॉर्मेंट ईच एंड एवरी थिंग मतलब इसमें यह है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे मतलब क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं तो हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते ठीक है अगर हम ले लें अगर हम वेजिटेटिव पार्ट ले लें यानी कि ह्यूमन और प्रोड्यूसर की बात ले प्रोड्यूसर क्या है हमारे प्लांट्स ही कहलाते हैं और अराउंड अल्टीमेट जो प्रोड्यूसर हैं अर्थ पे वो कौन है प्लांट है सो वी ह्यूमन बीइंग अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है तो हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते प्लांट्स अगर हमें फूड देते हैं मेडिसिन देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑक्सीजन सो यही कहना है कि जो बायोटिक फैक्टर है और अबायोटिक फैक्टर है वो एक दूसरे पे डिपेंड है अगर हम बात करें एक अबायोटिक की और बायोटिक की एग्ज़ाम्पल लेकर मैं चलती हूँ जो प्लांट है ठीक है प्लांट एक हमारा बायोटिक फैक्टर है और अबायोटिक हमारा, हमारा क्लाइमेट टेम्परेचर अगर गर्मी ज़्यादा हो जाती है सपोज़ गर्मी ज़्यादा हो जाती है जो ट्रां ट्रांसपाइरेशन होती है आप जानते हैं ये साइंस की टर्म है ट्रांसपाइरेशन है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है मतलब उसका जो रेट ऑफ जो वाटर का गेट रेट ऑफ जो उसका वाटर का रेट है वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है ठीक है यानी कि प्लांट की बात करें चाहे आप फिश की बात करें यानी कि वो अपने इन्वामेंट से अगर अटैच हैं तो अगर इन्वामेंट में कोई भी चेंज होता है तो उन पर भी इफ़ेक्ट होता है ठीक है ईच एंड एवरी विद everything with which विच वी or और we वी नीड फॉर आवर सस्टेनेंस फॉर our आवर इन्वायॉर्मेंट मतलब जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर है आपने इन्वामेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी इन्वायरमेंट का क्या डेफिनेशन है कि वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इन्वामेंट क्या है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है जिस क्यों हम उसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करता है लैंड वाटर एयर फूड जो हमारी बेसिक नीड है जो हमारी सर्वाइवल नीड्स हैं दैट्स हैंट्स वी अकॉलिंग इन इन्वा तो अगर इन्वायरमेंट में चेंज होता है इट्स मीन ऑर्गेनिजम्स में भी जो अदर लिविंग ऑर्गे बायोटिक फैक्टर है उनमें भी चेंज आता है आई थिंक ये क्लियर होगा यानी कि वी हम मतलब इन शॉर्ट जो बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट इंटर डिपेंडेंट हैं आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है अब नेक्स्ट स्लाइड है uh. ये जस्ट मैंने आपको बताया था कि बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ये आपको क्लियर थे कुछ एग्जाम्पल्स बताई थी मैंने शायद आपको मतलब कम लगी हो अब जो इन्वॉर्नमेंट फैक्टर है बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर इसके बेस्ड के ऊपर मैंने एक पिक्चराइज मतलब एक पिक्चराइज क्वेश्चन आप कह सकते हैं रखा हुआ है उसमें से आपको फाइंड करना है कि बायोटिक फैक्टर कौन सी और बायोटिक फैक्टर कौन सी यानी कि लिविंग थिंग्स कौन सी और नॉन लिविंग थिंग्स एक सिंपल टर्म में यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या ये बचपन से हम करते आ रहे हैं सेकेंड थर्ड क्लासेस में हम करते आ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स कौन से नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी तो आज इन्वायरमेंट के बेस के ऊपर हम देखेंगे ये पिक्चर है मैं चाहती हूँ मैं एक एक्सप्लेन कर सकती हूँ इस पिक्चर को ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखें इसमें जो ये पिक्चर है इसमें कितनी कितने बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर हैं और उनके नाम के साथ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्लीज़ ये मतलब जस्ट ये आपका इवेल्यूएशन होगा कि आपको कितना समझ आया बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में ठीक है आई होप ये आप करेंगे स्टिल अगर आपको नहीं क्लियर हुआ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि आप नहीं ये कर पाए मैं ये, ये पिक्चर पिक्चराइज जो पिक्चर क्वेश्चन है ये मैं फिर से आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करवा दूंगी उसके साथ ठीक है प्लीज़ कोशिश कीजिएगा ये आप कर सकते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डोमेन ऑफ अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डोमेन ऑफ लाइफ ठीक है आपने पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो इन्वायराममेंट के चार डोमेन हैं क्या फर्स्ट क्या है लिथोस्फीयर है सेकेंड क्या है एट एटमोसफियर और बायोस्फीयर ये चार पढ़े थे लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है किस डोमेन ऑफ इन्वायरमेंट को हम लाइफ डोमेन कहते हैं और ऑब्वियसली हमने इसका आंसर मैं बता दी इसके बायोसोफेयर है बायोसोफेर इसीलिए है क्योंकि बायोसोफेयर इज़ द ओनली डोमेन इन द इन्वायरमेंट जिसके इंटरेक्ट में तीनों बाकी जो डोमेन है जो हमारे बाकी डोमेन्स डोमेन्ड्रोसोफियर लिथोसोफेयर और एटमोसफेयर ये कम इंटरेक्ट कॉन्टैक्ट में आकर एक लाइफ देते हैं जो क्या कहलाती है बायोसोफेयर इन शॉर्ट आप बायोसोफेयर को ये भी कह सकते हैं कि ये लाइफ जोन है क्योंकि इसमें लैंड जो हमारा लिथोसोफेयर है वाटर जो हमारा हाइड्रोसोफेयर है एयर जो हमारा एटमोसफेयर ये जब कॉन्टेक्ट इंटरेक्ट करते हैं कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये क्या देते हैं लाइफ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब वहाँ पे सर्वाइवल का एक इन्वायमेंट क्रिएट करता है ऑर्गेनिज्म का दैट्स वाई हम इसको डोमेन ऑफ लाइफ कहते हैं ठीक है थीके? आपको एक और एक और बात कर क्लियर कर देती हूँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग मैन ठीक है man, सारे लिंक्ड हैं आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोसफेयर फॉर देयर सर्वाइवल ठीक है हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ठीक है लेकिन वो बायोसोफेयर के ऊपर भी डिपेंड है क्योंकि बायोसोफेयर के अंदर हमारे बाकी जो थ्री इंपॉर्टेंट डोमेन है वो उसके कांटेक्ट में आकर तब जाकर हमारा बायोसोफेयर बनता है और जो हमें सर्वाइवल के लिए नीड है मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी सर्वाइवल नीड्स क्या हैं एयर वाटर फूड एंड लैंड तो जो हमें कौन प्रोवाइड करता है बायोसोफेयर और बायोसोफेयर के अंदर हमारे तीनों डोमेन्स आ जाते हैं दैट्स वाई हम बायोसोफेयर को क्या कहते हैं डोमेन ऑफ लाइफ पिक्चराइज से आपको और क्लियर हो जाएगा देखिए बायोसोफेयर है हमारे डोमेन्स में यहां पे डिस्क्राइब है एटमॉस्फेयर, एंड हाइड्रोसोफेयरफेयर लेकिन जो बायोसोफेयर है उसके अंडर वो कैसे बनता है जब ये तीनों जो हमारे डोमेन्स है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोसोफियर और लिथोसोफेयर मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं बायोसोफेयर और बायोसोफियर क्या है प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ ठीक है और जो हमें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है ठीक है अब मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी बायोसोफेयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन जहाँ पे लैंड वाटर और एयर मिलते हैं ठीक है आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा बायोसोफेयर को क्यों द डोमेन ऑफ लाइफ कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन में था वॉट आर ट्रेस गैसेस आर ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रेस गैसेज अब यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्रेस uh, केसेस क्या होती है मैंने आपको कल बताया लेट मूव टू द पिक्चर ठीक है मैं पिक्चर में आपको बताती हूँ ये हमारा एयर का कंपोजिशन है ठीक है मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन का हाई कंसनट्रेशन है ऑक्सीजन का उसके बाद और उसके बाद जो बचती हैं गैसेस अदर गैसेस तो उन अदर गैसेस में से जो आर्गन है ए आर जी ओ एन ऑर्गन है ये गैस है इसको हम मतलब उसका अमाउंट तो कम है उसका कंसनट्रेशन तो कम है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लेकिन हम उसको ट्रेस गैसेस में इंक्लूड नहीं करते हैं ठीक है यानी कि हमारी तीन अदर गैसे द गैसेस अदर देन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और आर्गन को छोड़कर जो गैसेस बच जाती हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन हाइड्रोजन हीलियम भी है इसमें उनको हम ट्रेस गैसेस कहते हैं आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा वाटर ट्रेस गैसेज विच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट अदर देन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड आर्गन ठीक है और ऊपर क्वेश्चन था क्या ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेस गैसेस हैं यस दीज आर ट्रेस गैसेस बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर हैज ओजोन लेयर ठीक है ये मैंने आपको कल भी कौन जो फर्स्ट लेक्चर उसमें भी बताया था कि ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेट्रोस्फेयर लेयर में ये मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं चार लेयर हैं फर्स्ट वन कौन सी थी हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर फर्स्ट वन थी हमारी ये पहली लेयर थी हमारी ट्रोपोसफियर स्ट्रेटोसोफियर मीजोसोफियर थर्मोसोफियर एंड एग्जोसोफियर पर मोस्टली हम जनरली जो पढ़ेंगे चार ही पढ़ते हैं एग्जोसोफियर भी होती है ऐसी बात नहीं है लेकिन मोस्टली हम चार ही ये पढ़ते हैं सो इन विच लेयर मतलब कौन सी लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज स्ट्रेटोसोफियर पिक्चर से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा देखिए फर्स्ट लेयर कौन सी है ट्रोपोसोफियर इन जो सीधे अर्थ के पहले सबसे नियर लेयर कौन सी आती है ट्रोपोसोफियर आती है फिर स्ट्रेटोसोफियर आती है फिर मीजो थर्मो एंड एक्जो अब यहाँ पे यहाँ पे मतलब ओजोन लेयर का आता है ओजोन के बारे में मैंने आपको बताया था ओजोन जो है तीन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन जो ओ है सिंबल है वो तीन हो ओ थ्री यानी केमिकल जो सिंबल आएगा इसका केमिकल फॉर्मूला आएगा ऑक्सीजन वो क्या है? जीरो ओ सॉरी ओ थ्री ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सॉरी ओजोन ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज और वो हार्मफुल रेज क्या थी रेड इंफ्रारेड रेज एंड अदर इवन फ्रॉम हीटिंग ठीक है ये हमें प्रोटेक्ट करती है अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच लेयर इज़ नियर टू द अर्थ ठीक है ये मैंने आपको अभी मतलब डायग्राम में मैंने बताया कि कौन सी लेयर है जो आ, इसके नज़दीक है एटमॉस्फेयर के डायग्राम को देखकर बता दिए आई होप ये आपको आंसर आगे हो गया प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और आपके कॉमेंट आपके रिस्पॉन्स से पता चलता है कि यू पीपल आर इंटरेस्टिंग इन लर्निंग तो हम भी उतना अच्छा ही कोशिश करते हैं पढ़ाने की हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं आपको पता चल रहा है आपको समझ आ रही है प्लीज राइट डाउन ऑन द कॉमेंट बॉक्स मुझे पता है आपको आंसर दिख गया होगा क्या है आंसर इसका बट प्लीज़ राइट डाउन ऑन द कॉमेंट बॉक्स नेक्स्ट है व्हाट इज एग्जोसोफियर एग्जोसोफियर क्या है जैसे ट्रोपोसोफियर एक नियर लेयर है मतलब अर्थ के नियर है वैसे ही एग्जोसोफियर के अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर क्या इसको क्या कहते हैं एग्जोसोफियर के जो अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की उसको एग्जोसोफियर कहते हैं और ये वेरी थिन होती है वेरी थिन लेयर ऑफ एयर होती है और इसमें मोस्टली जो गैसेस प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है हीलियम एंड हाइड्रोजन कौन सी प्रेजेंट होती है हीलियम ये हीलियम का सिंबल है और हाइड्रोजन ठीक है ये दो गैसेस प्रेजेंट होती हैं एक्सोसफियर में आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अब नेक्स्ट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द विच सॉरी ये क्वेश्चन व्हाट इज आना था यहां पे विच इज आल्सो कॉल्ड भी कह सकते हैं व्हाट इज आइनोसोफियर आप यहाँ पे क्वेश्चन है सॉरी एक मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में क्वेश्चन एक्चुअल में है व्हाट इज आइनोसफियर ठीक है आइनोसफेयर क्या है ये जो आइनोसोफियर है ये जस्ट अबव द मिसोसोफियर और थर्मोसोफियर के बीच में लेयर होती है ठीक है इस लेयर में क्या होता है जैसे मैं आपको ये बताती हूँ डायग्राम हम इसमें चलते हैं ठीक है थीके? जो आइनोसोफियर क्वेश्चन व्हाट इज आइनोसोफियर जो आइनोसोफियर है वो मीजोसोफियर और थर्मोसोफेयर के बीच में आती है और इसको आइनोसोफियर क्यों कहते हैं जो लेयर नाम से ही इसका पता चलता है आइनो जो आइन वर्ड है वो स्टैंड करता है आइंस के लिए आई नो द वर्ड जो है आई नो वर्ड है वो स्टैंड करता है आइंस के लिए तो आपने जो साइंस बैकग्राउंड के लिए उनको ये पता होगा आइंस दो तरह के होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं ठीक है यानी कि ये वो लेयर है या ये वो वाला सफेयर है एटमोसफेयर का जहाँ पे आइंस और इलेक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन बहुत होती है ठीक है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है उनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है आइंस आइंस दो तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जिसको हम ई e से स्मॉल ई e से uh, लेटर से डिनोट करते हैं और उस पर नेगेटिव निशान होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन यानी कि आइनोसोफियर वो लेयर है वो पार्ट है एटमोसफेयर का जिसमें आइंस की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है सो वंस अगेन आई विल रिपीट अबाउट क्वेश्चन का यहाँ पे मिस्टेक है सॉरी फॉर दैट तो यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है वॉट इज आइनोसोफियर ठीक है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वॉट इज आइनोसफेयर तो आइनोसफेयर क्या है वो लेयर है जो मीजोसफेयर और थर्मोसफेयर के बीच में आती है और वहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ आइन बहुत ज़्यादा होता है आइन्स क्या होते हैं दो तरह के होते हैं पॉजिट चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है आइन्स और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन से यही होता है कि जो भी डाउट्स होते हैं जो भी एक्स्ट्रा जो नॉलेज होती है वो आपको क्लियर जो भी आपके प्रॉब्लम जो भी आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन से होता है ये मोस्टली क्लियर हो जाते हैं अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ठीक है लिखिएगा ना ये मैंने लेयर्स का ये फिगर मतलब डायग्राम रखा है ताकि आपको ईजली याद हो जाए थर्मोसोफियर uh, जस्ट ट्वेंटी मीटर अबव द मतलब एवरेज हाइट इसके अगर बुक्स में अगर हम देखेंगे थर्टीन के अराउंड रहते थर्टीन किलोमीटर और ये मोस्ट इम्पॉटेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की फिर स्टेटोसफेयर जिसमें हम ओजोन का पढ़ते हैं मतलब ये पचास किलोमीटर तक एक्सटेंड थर्मोस्फेयर ट्वेंटी तक एक्सटेंड करती है उसके बाद जो ऊपर फिफ्टी तक क्या एक्सटेंड हो जाती है स्टेट स्टेटोसफियर लेयर है जो जस्ट अबव द ट्रोपोसफियर है इसमें क्या ऑलमोस्ट क्या होते हैं मतलब अगर देखा जाए क्लाउड्स ऑल द्लाउड्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं ठीक है और इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इस टेटोसफेयर का बोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या हैटोस्फेयर में इसमें ओजोन लेयर होती है ठीक है ओजोन लेयर वो लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल जो हार्मुल इफेक्ट है ना सन रेज के उससे हमें प्रोटेक्ट करती है फिर अगर हम मीजोसोफेयर की बात करें मीज़ोसोफेयर कह सकते हैं ये थर्ड लेयर एटमोसफियर की जस्ट अबव द स्ट्रेटोसोफेयर जस्ट अबव द स्ट्रेटोसोफेयर के ऊपर क्या आती है मीजोसोफियर मीजोसोफियर मतलब 80 अराउंड के ये एक्सटेंड करती है और इसमें मोस्टली जो मेट्रोइड्स वगैरह ये वाले स्पेस की चीज़ें एंटर करती हैं लेकिन जैसे ही हमारे एटमोसफेयर में एंटर करती हैं ये ब्रस्ट होते हैं ब्लास्ट हो जाती हैं ठीक है नेक्स्ट हमारी आती है थर्मोसोफेयर थर्मोसोफेयर क्या है इसमें टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इसमें ज़्यादा हाई थर्मो से ही आपको पता चलना चाहिए हीट गर्म तो इसमें क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर और इसमें वन मोर थिंग इसमें आइनोसोफेयर जो मैं आपको बता रही थी ऊपर क्वेश्चन था वॉट इज आइनोसोफियर यहाँ से वो लेयर स्टार्ट होती है थर्म मतलब यहाँ तक इज़ अ पार्ट ऑफ uh, थर्मोसफेयर मीजोसोफेयर के ऊपर थर्मोसोफेयर आता है तो इसके बीच में आइनोसोफियर लेयर रहती है और आयनोसोफेर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वो क्या उसमें क्या होता है आइंस प्रेजेंट होते हैं और जिनकी मदद से जो हमारे सिग्नल्स हैं नेटवर्क्स हैं वो मोस्टली जो रेडियो ट्रांसमिशन सिग्नल्स हैं वो हमें इसी थर्मोसोफेयर लेयर से रखती है क्योंकि कंसनट्रेशन ऑफ आयो आइंस की यहाँ पर ज़्यादा होती है आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट है हमारा वॉट डस्ट ये एम हैं ठीक है आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा अच्छा लगता है कि आप आंसर दे रहे हैं तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोटिक मीन हमने फर्स्ट लेक्चर में बायोटिक चीज मतलब पूछा वहाँ पर मैंने स्लाइड में लिखा था व्हाट इज बायोटिक बायोटिक का मतलब क्या है बायोटिक का मतलब क्या आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा मुझे तो आंसर बताना ही है मे बी कुछ बच्चे नहीं जानते हो. तो बायोटिक का मतलब क्या है लिविंग ठीक है बायोटिक का मतलब क्या है लिविंग नेक्स्ट सॉइल इज़ कंसिडर्ड एज अ फैक्टर मे बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स यह हमने पढ़ा था सॉइल के बारे में मैंने आपको बताया था अपर मोस्ट लेयर है यह अर्थ की उसको हम सॉइल कहते हैं तो जो सॉइल up ऑफ रॉक एंड मिनरल्स हम इसको क्या कहते हैं कैसे ही वो रॉक और मिनरल से फॉर्म होती है वेदरिंग वेदरिंग से तो मतलब बहुत टाइम मिलियंस ऑफ एयर लगते हैं सॉइल को फॉर्म होने के लिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सॉइल इज़ कंसिडर एज अ फैक्टर बिकॉज इट इज़ मेडअप ऑफ तो सॉइल क्या हम अभी तक पढ़ते हैं सॉइल इज़ अबायोटिक फैक्टर वॉट इज सॉइल इज अबायोटिक फैक्टर नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है ये बेस इसीलिए है कि अगर कहीं को बायोटिक और अबायोटिक में कुछ डाउट कुछ रह गया होगा तो क्लियर हो जाएगा ठीक है अबायोटिक फैक्टर क्या है बायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम सिस्टम लिविंग तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है वॉट इज एन इको ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है वॉट इज एन इको सिस्टम क्या होता है इसमें आपका जो आ, मतलब जितने भी ऑल प्लांट्स एनिमल ह्यूमन बीइंग सब चीज़ें इसमें इंटरैक्ट, इंटर डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पे, ठीक है यानी कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में और उनके सराउंडिंग जो एक, एक कल मतलब एक चीज़ फॉर्मड होती उसको हम इको सिस्टम हैं यानी कि बेसिकली इकोसिस्टम का इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग इकोसिस्टम क्या है इंटरेक्शन होना सॉरी मैं फिर से लिखती हूँ इको सिस्टम क्या है इंटरेक्शन होना किसका अबायोटिक एंड बायोटिक थिंग्स का ठीक है इसको क्या कहते हैं हम इको सिस्टम और क्वेश्चन यहाँ पे है कि अबायोटिक फैक्टर क्या है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इको सिस्टम यानी कि नॉन लिविंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी माउंटेन ग्रास लैंड डेजर्ट लेक रिवर ओशन ऑल थिंग्स आर द एक पार्ट किसके इको सिस्टम के हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इज द पोर्शन ऑफ द प्लैनेट इन विच बायोटिक फैक्टर इन विच बायोटिक फैक्टर इंटरैक्ट होते हैं एक दूसरे से विद देयर अबायोटिक इन्वायरमेंट मतलब वो कौन सा पोर्शन है प्लैनेट का जिसमें बायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर के हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और क्या और अपने अबायोटिक फैक्टर्स है तो सिंपल इसका इतना ईजी बायोसोफेयर क्योंकि ट्रोपोसोफियर क्या है लेयर है ठीक है स्ट्रेटोसोफेयर uh, भी लेयर है हाइड्रोसोफेयर क्या है हमारा डोमेन है ये हमारी एटमोसफेरिक लेयर हैं दोनों ये हमारी दोनों एटमोसफेरिक लेयर्स हैं और ये बायोसोफेयर ही है जिसमें हमारे बायोटिक फैक्टर uh, जो बायोटिक फैक्टर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और ऑल्सो अपने अबायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट करते हैं आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा वंस अगेन आई विल रिपीट ये जो दोनों है ट्रोपोसोफियर स्टेटोसोफियर ये एटमोसफेयर लेयर है ये आपको क्लियर हो गया होगा और हाइड्रोसोफियर क्या है डोमेन है वाटर डोमेन है और बायोसोफेयर इज द जिसको हम लाइफ डोमेन कहते हैं जहाँ पे क्या होती है इंटरेक्शन होती है इन विच बायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट विद वन एन अदर एंड विद देयर अबायोटिक फैक्टर आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट स्लाइड ठीक है अब यहाँ पे है विच आर द फिजिकल एंड नॉन लिविंग कम्पोनेंट ऑफ एन इको सिस्टम इको सिस्टम मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि जिसमें इंटरेक्शन होती है लिविंग एंड नॉन लिविंग की विद देयर इन्वायरमेंट ठीक है अब यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर फिजिकल नॉन लिविंग कंपोनेंट किस को कहेंगे टेम्परेचर कंडीशन तो नहीं कहेंगे ये कंडीशन है एंटीबायोटिक फैक्टर नो तो दो ही बचते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक और हमें पूछा नॉन लिविंग कंपोनेंट हमें जहां पता है अब बायोटिक को ही नॉन प्लांट एनिमल्स एंड मैन भी इंक्लूड कर दू तो, तो इसमें किसकी एग्जाम्पल्स आएंगी बायोटिक फैक्टर की एग्जाम्पल्स आएंगी अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा बायोम क्या है ठीक है बायोम्स क्या है क्या के कलेक्शन होना मतलब किसका प्लांट और एनिमल्स का एक साथ होना एक ही जैसे इन्वामेंट में रहना यहाँ तो आप ये कह दीजिए कि मेजर कम्युनिटी मतलब मेजर पार्ट होना एनिमल और प्लांट्स का विद सिमिलर लाइफ फॉर्म मतलब उनका रहन सहन जो होगा प्लांट और एनिमल का एक ही इन्वा एक ही हैबिटेट होगा उसको हम बायोम्स कहते हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बायोम्स बायोम्स को कहते हैं यानी कि कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स का क्या इनमें होगा कॉमन क्या होगा कॉमन इनमें होगा इनका इन्वायरमेंट कॉमन क्या होगा इनका इन्वायरमेंट और यू कैन से दैट हैबिटेट उसको हम क्या कहते हैं बायोम सो द आंसर इज सो द सो द आंसर इज सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बायोटिक बायोटिक फैक्टर सो द नेक्स्ट वन इज वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोटिक फैक्टर ये इजी है बायोटिक फैक्टर की क्या डेफिनेशन आएगी एनी लिविंग कंपोनेंट दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ एनअर ऑर्गेनिज्म इज कॉल बायोटिक ये बायोटिक फैक्टर की डेफिनेशन है एनी लिविंग कंपोनेंट बायोटिक फैक्टर का ही मतलब है लिविंग थिंग्स तो डेफिनेशन यही आएगी एनी लिविंग कम्पोनेंट दैट अफेट द पॉपुलेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इसको यही कहते हैं बायोटिक की डेफिनेशन तो ये नॉन लिविंग है तो इसको हम नहीं करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट है एयर एयर वॉटर सनलाइट क्लाइमेट आर कंसिडर्ड एज अ बायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट ठीक है आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा नेक्स्ट है सो so यह हमने कर लिया वॉट इज अ डेफिनेशन ऑफ बायोटिक फैक्टर तो नेक्स्ट है एयर करंट टेम्परेचर मॉइस्चर लाइट एंड ऑल आर पार्ट ऑफ नॉन लिविंग पार्ट्स विच अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट आर कॉल्ड मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके साथ इसको जब आपके नॉन लिविंग पार्ट्स जो इफेक्ट करती हैं ऑर्गेनिजम के इन्वायरमेंट को उसको क्या कहते हैं उसको हम इको सिस्टम कहते हैं ठीक है इसको क्या कहते हैं हम आर कॉल्ड द इको सिस्टम सॉरी इको सिस्टम वो विच अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट आर कॉल्ड सॉरी इसका आंसर है बायोटिक फैक्टर वो वाली चीज़ें जो आपके ऑर्गेनिज ये वाली चीज़ें जो जिन जिनके इन्होंने नाम लिए एयर करंट टेम्परेचर मॉइस्चर इनको क्या कहते हैं हम अबायोटिक फैक्टर सो द नेक्स्ट स्लाइड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर क्या हमारा एलगी है ठीक है एलगी uh, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मतलब इवन लाइफ भी कुछ माइक्रो भी है माइक्रो भी है बट क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है तो बायोटिक फैक्टर क्या आएगा हमारा एलगी ही आएगा नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन है द बायोसोफेयर ऑफ द इज द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट कंटेन लाइफ विच इज द पार्ट ऑफ बायोसोफेयर इसको क्या कहेंगे ऑल ऑफ द अबव क्योंकि जो आपका बायोसोफेयर है उसमें एटमोसफेयर भी अर्थ सरफेस भी पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट यानी कि लिथोसोफेयर को ही हम क्या कहते हैं अर्थ सरफेस और अर्थ uh, क्रस्ट और वाटर भी इन आवर प्लान तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑल ऑफ अबव ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टिल आपको कुछ क्वेरीज कुछ डाउट होंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जो पिक्चर मैंने क्वेश्चन बायोटिक और बायोटिक का यहाँ पे बताया उसके लिए भी कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा थैंक यू फॉर दिस लेक्चर